नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए नजर डालते हैं इस अपराध जगत की खबर पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि तीसरी बार में वजीर चुन लिया गया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए बलिया से आया हूं, या फिर इस संगठन के थ्रू अपना कोई भी मसाइल हो, सबसे ज्यादा मसला तहसील ब्लॉक में उठाने का होता है भाई। वो हमें वही डराते हैं, कोई इस तरह के मसले पैदा हुए तो हमें चुलाहा कसाई और ये वगैरह गुजरा रही साहब वकील का भी पुकारते हैं। जब उन्हें खतरा होता है तो कहते इस्लाम को खतरा है। जब वो कहते हैं कि इस्लाम को खतरा है तो सारे भाई हमारे उधर चले जाते हैं। तो पर्यंत माइक का इस्तेमाल करना होगा नेतृत्व में। ये दानिश आजादी लागू तो मैं यह भी कहता, ये लोग पद को खराब करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से बीआर अम्बेडकर और अमिताभ पासवान के लोगों ने दबा बर्बाद किया था, उसी तरीके से पासवानता समाज के लोग जो उच्च पद पे होते हैं उन्हें भी लोग गुमराह करते हैं। तो मेरे साथियों, ये भाषण का वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप हजरात अपने बच्चों को पढ़ाइए। संविधान में 1.44 की आजादी देता है, हो जाए लेकिन नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग लोकल स्तर पर इस संगठन को मजबूत बनाइए और यह मत देखिए कि छोटे नागरिक है आपसी एकता का प्रदर्शन करते हुए सारे भाई एक दूसरे को अपना हक के साथ जायज तरीके से बात करते हुए किसी भी समस्या का समाधान करेंगे तो इंशाअल्लाह पासवानता में तकलीफ नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कहने के लिए बलिया से आया कि हम सब लोग आपस में मिल करके अपने सियासी मेयर को ऊपर उठाएं। जौनपुर से चल करके आए हाजी निहाल साहब का मैं स्वागत करता हूँ। हाजी निहाल अंसारी जो पासवानता समाज के यहाँ हमारे पहली बैठी हुई है, ये लोग बच्चों को तरबियत दे, क्योंकि वो अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि वो ये चुनाव है, कसाई है, राइट है। आप अपने बच्चों को बताइए कि आप भगवान नाम मुस्लिम महान जिंदाबाद, भगवान नाम मुस्लिम महान जिंदाबाद। मैं मुख्य अतिथि अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, सब लोग बैठे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मानी सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। हम पत्रकार बनने से भी निवेदन है कि वो मालिक को बदली आ गए हैं, तो उनका जो भी बदल की वो बने। मोहम्मद यूनुस जी हैं, परवेज साहब हैं और तमाम अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम वर्ग समाज की बड़ी संख्या में और हम सब आज एकजुट हुए हैं।
और मकसद है कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश की उन्नति में अल्पसंख्यक समाज का जो मुस्लिम वर्ग है वो भी अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता ले। पसमंदा समाज को आगे ले जाने के लिए क्या कार्य है आप लोगों का कि पसमंदा समाज को सरकार का अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज में जो पसमंदा वर्ग है हमारा, उस वर्ग के उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रही है। ये बजट पास हुआ है, उस बजट में आप देखिए कि जो बुनकरों की एक समस्या है उसके लिए भी हम बहुत गंभीर हैं, उसके लिए भी हमने उनके तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमने बजट एलोकेट किया है। हम बुनकर समाज के बिजली की व्यवस्थाओं को और अच्छा और मजबूत बनाएं, सौर ऊर्जा से भी जोड़े, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर उनको जो है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग को भी हम अच्छी क्वालिटी में उसको ऐसे चेन से जोड़ें ताकि उनका भी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है उसको अच्छे से सेल आउट कर पाएं। तो हम पूरे एक ओवरऑल ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने समाज के वर्ग का पसमानदा समझ उसकी उन्नति के लिए काम करें। स्कॉलरशिप स्कीम्स है जिसका सीधा लाभ हमारे पसमानदा समाज के जो युवा छात्र हैं जो पढ़ते हैं लिखते हैं समाज में आगे बढ़ते हैं उनके उनकी उन्नति के लिए उसमें स्कॉलरशिप स्कीम्स करीब 700 करोड़ की स्कॉलरशिप स्कीम्स हम उसको कल हमने बजट में उसको प्रस्तावित किया है जो इस बात को दर्शाता है कि हम अपने समाज में शिक्षा के लिए गंभीर हैं। हमारी सरकार जिसने कहा है कि एक हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा कि एक हाथ में हो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, यानी हम एजुकेट करें अपने समाज के वर्ग, अपने समाज के युवाओं को, छात्रों को, तो हमने स्कॉलरशिप के स्कीम्स के माध्यम से हम उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। मदरसों के आधुनिकरण के माध्यम से हम मदरसों को आधुनिकरण के लिए हमने अलग से बजट एलोकेट किया है। बजट का जो आंकड़ा है करीब 479 करोड़ का है, इतनी बड़ी अमाउंट है। हम अपने मदरसों को आधुनिकरण करेंगे क्योंकि वहाँ भी बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के जो पसमानदा समाज से जुड़े हैं हमारे युवा छात्र भाई साथी वो पढ़ने आते हैं, तो उनको भी मॉडर्न एजुकेशन का वो भी हिस्सा बने, मॉडर्न एजुकेशन से लाभ लेके वो भी समाज में आगे बढ़े और अपने प्रदेश को और देश को आगे ले आने में अपनी भूमिका ले। जिसके साथ मैं बस बताता हूँ, इसके साथ साथ जो हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, वहाँ ITI खोले, हॉस्पिटल खोले, इस माध्यम से अपने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को भी हम विकसित करने का काम करें। इसके लिए 508 करोड़ 18 लाख रुपये हमने बजट में एलोकेट किए। तो हम लगातार जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और हम सबके प्रयास, समाज के हर वर्ग के प्रयास से आज पूरा उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है हमारी, हमारी सरकार का मंशा है कि ग्राउंड लेवल पे जाके हम अपने जो हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए हम काम करें, हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो भाई है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। लगातार अलग अलग समाज के वर्ग जैसे कि आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंघ, इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये भी समाज में गांव में जाके काम करते हैं और आज हम सब मिलकर समाज की दिशा में ले जाएं, ये मेरा कहना है। एक सवाल हमारा ये है, इस बार का जंबो बजट आया है जैसा कि उसकी धनराशि भी बढ़ाई गई पिछले बजट को अगर हम गौर करें, लेकिन इस बजट में एक तो निचले तबके की अनदेखी की गई, व्यापारियों की अनदेखी की गई और छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो रेड़ी वाले हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसा तबका है, इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? रेड़ी वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मॉडर्न स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, ये कल बजट में प्रस्तावित हुआ। अगर आप बजट पढ़ेंगे हम लोग तो हमको मालूम चलेगा कि एक मॉडर्न स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, तो हम उन रेड़ी वालों को ऑर्गेनाइज तरीके से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार है जो समाज के हर वर्ग हर तबके सबका ध्यान रख रही है, स्पेशलाइज हम अलग से उनके लिए प्रोग्राम चलाएंगे रेडी वालों को। इसके साथ साथ जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनको सबल करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी सबल करने के लिए लगातार, चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, हर योजना से हमारा सीधा लाभ समाज के हर वर्ग को और खासतौर पर मुस्लिम समाज के पसमानदा वर्ग को हो रहा है। आप देखिए हर राशन से सीधा लाभ हमारे पसमानदा समाज को मिला है, आयुष्मान कार्ड का सीधा लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास का मिला है, हमारा एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप है उसका सीधा लाभ मिला है। तो लगातार हम ग्राउंड लेवल पर जाके
अपने समाज को सर अभी उज्ज्वला योजना को लेकर इस बार फिर बजट को दिया गया है, लेकिन पिछली जो योजना उज्ज्वला की आई थी आपने देखा गांव में सिलेंडर घरों में बच्चे खेलते हैं उससे, क्योंकि उनको गैस मुहैया नहीं हो रही, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में उज्ज्वला योजना कितनी सार्थक होगी? गैस की कीमतें बढ़ाई है और पूरे वो तो लॉलीपॉप हो गया, पूरे देश भर में इसका स्वागत होगा। हम लगातार ग्राउंड लेवल पे जाकर हर योजना को बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। मैं आपको बताने मुझे प्रसन्नता हो रही है और हम लगातार जो मिनिस्टर्स हैं आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाकर प्रवास कर रहे हैं, आपका मंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम सीधा कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं और बिना भेदभाव के बिना भ्रष्टाचार के सारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल से लेकर कामयाब हो। सर कहीं ना कहीं ये टैबलेट वो आपका ये जो वितरण था मोबाइल वाला वितरण उस पर क्या बजट है क्या? 1500 करोड़ रुपए का तकनीकी रूप से सक्षम टैबलेट वितरण का हमने अलग से बजट प्रावधान किया है, जिससे हमारे बच्चों को सीधे टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ मिलेगा, जिससे उनको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, वो डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है उस सपने को साकार करेगा। बिल्कुल, पिछले बजट में आपने जैसा आपने बताया कि नीचे तबके के लोग रेहड़ी वालों को दुकानदारों के लिए पिछले बजट में भी प्रावधान किया गया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इस बार भी आप कह रहे हैं ऐसा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, बजट कागजों में दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं भी जमीन पर आता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हमारे हर योजना का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है और आप देखिए राशन का जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा, राशन का सीधा लाभ सबको मिल रहा है, आज राशन वितरण हो रहा है, अभी सदन का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कल शिवपाल जी ने ये बोला है कि हम इतना राशन दे रहे हैं कि लोग जो है लोग घर अनाज से भर गए, जब हम जो योजना ला रहे हैं विपक्षी चीज की तारीफ कर रही है, सदन हाउस में है, आप सब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, शिवपाल जी ने बोला है कि हम इतना राशन दे रहे हैं कि लोगों के घर राशन से भर गए, तो हमारी योजना का सीधा लाभ और हमारी योजना की तारीफ आज विपक्ष भी कर रहा है, इससे बेहतर हमसे क्या काम किया उसी राशन की कीमतों सर हज के लिए? अरे सर हज के लिए थोड़ा सा बता दीजिए, हज की आपकी जो तैयारियां हो रही है उसके बारे में बता दीजिए। तैयारियां चल रही है 6 जून से इंशाल्लाह हज की आपकी बिजनेस होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।